जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज मैं महाकवि विद्यापति की पदावली मैं हिंदी साहित्य में कृष्ण काव्य पर बोलूंगी। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। महाकवि विद्यापति ठाकुर आधुनिक भारतीय भाषा में कृष्ण काव्य के सर्वप्रथम कवि हैं। इनके पहले जयदेव ने संस्कृत में कृष्ण काव्य गीत गोविंद की रचना की थी, इसलिए विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी। और उस समय जबकि मुद्रण का प्रचार न था और न संचार साधन उपलब्ध थे, विद्यापति के गीत सुदूर आसाम, बंगाल से लेकर मिथिला गजभूमि, मथुरा वृंदावन तक तथा उड़ीसा से लेकर सौराष्ट्र तक जन जन के कंठ में रम रहे थे और उनके नाम की धूम मची हुई थी। उनकी कविता महाप्रभु चैतन्य जैसे अवतारी पुरुष को भक्ति भावना में डुबोती रही। राधा कृष्ण भक्ति भावना के सबसे बड़े आश्रय श्री चैतन्य देव विद्यापति के पदों के अनन्य प्रेमी थे। विद्यापति के राधा कृष्ण संबंधी भाव प्रवण एवं प्रेममय गीतों को सुनकर वे विभोर आत्म विस्मृति हो जाते थे। उन्हें भाव समाधि की दशा प्राप्त हो जाती थी। चैतन्यामृत के अनुसार विद्यापति विद्यापति चंडीदास श्री गीत गोविंद ये तीन गीत करे प्रभु के आनंद चैतन्य कहते थे। इसलिए विद्यापति को कृष्ण भक्त रसिक शिरोमणि कवियों में प्रथम पंक्ति में स्थान मिल गया। इसके बाद के श्री चैतन्य देव के भक्तों ने विद्यापति के पदों की भाषा एवं भावों का अधिकाधिक अनुकरण किया। पदावली असमीय के प्रथम कवि शंकर देव, उड़िया के प्रथम कवि राय रामानंद, बंगाल के अनेकानेक कवि, यहाँ तक कि रविंद्रनाथ ठाकुर, हिंदी के महाकवि सूरदास, तुलसीदास का कबीर जैसे महाकवियों को भी प्रभावित कर सकी है। विद्यापति की विद्वता और व्यक्तित्व को किसी एक सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। वे एक साथ ही राजकवि, जन कवि, श्रृंगारिक कवि, भक्त कवि, गीत लेखक, प्रबंध काव्य लेखक, नाटककार, नीति उपदेशक आदि के विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हुए हैं। विद्यापति के प्राप्त ग्रंथों की लंबी सूची है और इसमें अधिकांश संस्कृत में है। विद्यापति पदावली जनभाषा में लिखी। उनका विचार था कि संस्कृत भाषा विद्वजनों को ही अच्छी लगती है, सामान्य जनों को उसके रस का मर्म नहीं प्राप्त होता, किंतु देशी बयना जनभाषा सबको मीठी लगती है। महाकवि विद्यापति की ख्याति एवं अमरत्व का मुख्य आधार उनकी पदावली ही है, जिसे उन्होंने स्वतः सुखाए या राजाओं एवं राजपुरुषों की प्रेरणा से रचा। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा संकलित विद्यापति की पदावली में 266 गीतों को 29 भागों में प्रस्तुत किया गया है। कृष्ण काव्य के अतिरिक्त भगवती और शिव के गीत प्रार्थना और नचारी में संकलित हैं। यहाँ पदावली के कृष्ण काव्य के कुछ मुख्य गीतों पर चर्चा होगी। कृष्ण वंदना में ये विद्यापति ने लिखा है कि नंद कदंब के तरु तर धीरे धीरे मुरली बजाओ, समय संकेत निकेतन बैसली बेरी बेरी बोली पठाओ। बहुत सारे उन्होंने लिखे हैं। साम सामरी तोरा लगी अनखन विकल मुरारी, जमुना के तिरुप वन उद्बेगल फिर तत ही निहारी, गोरस बिकनी के अवैत जाइत
जनी जनी पूछ बन मारी तोहे मति मान सुमति मधुसूदन बचन सन कुछ मोरा भनई विद्यापति सुनु बड़ जोवती बंद नंद किशोरा। इसका भावार्थ है कि हे सखी नंद के नंदन कदम्ब के पेड़ के नीचे धीरे धीरे मुरली बजा रहे हैं, समय पर मिलन स्थल पर तुम्हें बार बार बुला रहे हैं। हे श्याम तुम्हारे तुम्हारी मुरारी प्रतिक्षण प्रत्येक क्षण विकल है। यमुना के तट पर उपवन में तुम्हारे लिए व्याकुल हो रहे हैं और बार बार उसी ओर देख रहे हैं जिस ओर से तुम आओगी। दूध दही बेचने के लिए जाने वाली प्रत्येक स्त्री से वे तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। तुम स्वयं बुद्धिमती हो और कृष्ण भी संज्ञानी है, अतः कुछ मेरी बात भी सुनो। विद्यापति कहते हैं कि हे श्रेष्ठ युवती नंद किशोर कृष्ण की वंदना करो, उनसे मिलो। इस गीत में राधा से मिलने हेतु कृष्ण की व्याकुलता अभिसार हेतु नायक की व्याकुलता दिखाई गई है। गौड़ीय संप्रदाय वालों ने के मत से आह्लादनी शक्ति राधा के क्षणिक विरह में भी परमेश्वर कृष्ण को यह विकलता उनके सिद्धांत का पोषक पद है। नक्षिक का वर्णन करते हैं वे, माधव की कहब सुंदरी रूपे कतन जतन भी आन समारल देखल नयन स्वरूपे। पल्लव राज चरण जुग शोभित गति गजराजक भाने कनक कदलि पर सिंह समारल तापर मेरु समाने। मेरु पर दुई कमल फुलायल नाल बिना रुचि पाई मणि माय हार धार बहु सुरसरी ते नहीं कमल सुखाई। अधर बिम्बसन दसन दारिम विजु रवि शशि उगथी पासे राहु दूर बसु नियरे नावथि ते नहीं कर दिगरासे। सारंग नयन नयन पुनि सारंग सारंग दसु संधाने सारंग ऊपर उगल दस मारंग सारंग केल करथि मधुपाने। भनई विद्यापति विष्णु बड़े जौवति एहन जगत नहीं आने राजा शिव सिंह रूप नारायण लखिमा दे प्रतिमाने। सारंग के अर्थ पहला तो है हरिन, दूसरा कोयल, तीसरा कामदेव और चौथा कमल, पांचवा भौंडा। यह पद साहित्य संसार में अत्यंत प्रसिद्ध और रूप वर्णन की दृष्टि से अद्वितीय है। इसमें अलंकारों की भरमार है और शब्द चयन अनुपम है। महाकवि सूरदास ने उसी के अनुकरण पर अद्भुत एक अनुपम बाग जुगल कमल पर गजबर कीरत तापर सिंह करत अनुराग वाला पद लिखा है। उन्होंने अनुपम बाग लगाया हो पर विद्यापति द्वारा नारी रूप में इस बाग का अनुकरण करके भी उसके लालित्य माधुरी मनोमुग्धकारी छटा को नहीं छू सके हैं, ऐसा साहित्यकारों का विचार है। नोक झोंक में भी उन्होंने लिखा है, हम लोगों के मिथिला में ये रास्ते में गाया जाता है, शादी जब होती है तो कहीं कोई कुछ करने के लिए रस्म करने के लिए जाते हैं तो ये गाते हैं कि कुंज भवन सोनिक सलिरे रो कल गिर धारी ए कहीं नगर बसु माधव हे जानी करू बट मारी छारू कन्हैया मोरा आचर रे फाटत नव सारी अपजस होय जगत भरिए जानी करिया उघारी संगक सखी अगुआइल रे हमाय कसरी नारी दामिनी आय तुलाए लिहे एक राती अंधारी
बनाही विद्यापति गावल रे सुनु गुण मति नारी हरि के संग कछु डर नहीं तोहे परम गमारी। आगे श्री कृष्ण का कीर्तन भी उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहते माधव कतर करब बड़ाई उपमा तो हर कब करा हम कहता हूँ अधिक लजाई जो श्रीखंड सौरभ अति दुर्लभ तौ कुनि काठ कठोरे जो जगदीश निशा कर तौ कुनि एक ही पक्ष उजोरे मणि के समान आन नहीं दोसर तनिकर पाथर नामे कनक कदली छोर छोटी लज्जित भैर की कहू ठाम ही ठामे तोहर सर से तो ही माधव मन हो इच्छानु माने सब जन जन सौ नेह उचित ठीक कवि विद्या प्रतिभाने। विरह में भी उन्होंने लिखा है कि माधव तुहे जनु जाह विदेश हमरो रंग रबस ले जाइबा ले बा कौन संदेश। और वैराग्य पर भी लिखा है तातल सहिकत बारी बिंदु समसुत बित रमणी समाजे तो ही बिसारी मन नहीं समर्पल अब मजु हो कौन काजे माधव हम परिणाम निराशा तो ही जगतारन दीन दयामय अतए तुहर विश्वासा। तप्त बाल इसका अर्थ है तप्त बालू को मैं मैंने जलबिंदु के समान समझ लिया उसी प्रकार तप्त बालुका राशि सदृश पुत्र मित्र वन रमणी समाज को मैंने जलबिंदु के समान समझ लिया तुम्हें छोड़ मैंने उसको अपना मन समर्पित कर दिया। हे माधव अब मुझे परिणाम में से निराशा हो रही है तुम संसार को तारने वाले हो दिनों के दयामय हो इसलिए मुझे तुम्हारा विश्वास है। विद्यापति का जन्म 1350 ईस्वी और मृत्यु 1450 ईस्वी में कहा जाता है। विद्यापति के जीवन काल में मुसलमान आक्रांताओं ने मिथिला पर चढ़ाई कर ली और देश पर अधिकार कर लिया। युद्ध में विद्यापति के आश्रयदाता राजा शिव सिंह अंत हो गया और विद्यापति राज परिवार के संरक्षण को में लेकर अन्यत्र चले गए। विद्यापति शिव जी के अनन्य भक्त थे और साक्षात भी उनके चाकर बन गए। कहा जाता है कि एक व्यक्ति उनके पास काम करने के लिए आया और साथ रहने लगा। उसका नाम उगना था। एक दिन उसके साथ कहीं जा रहे थे तो उन्हें प्यास लगी। नजदीक में कोई पानी का स्रोत नहीं था परंतु उगना तुरंत ही पानी लेके आ गया। पानी का स्वाद गंगाजल जैसा था। पूछा तो उगना मान गया कि वे शिव है और मना किया कि किसी पर प्रकट नहीं करना। एक दिन विद्यापति की पत्नी उगना को जलावन की लकड़ी से मारने दौड़ी। विद्यापति बोल उठे साक्षात शिव पर प्रहार मत करो और शिव अंतर्धान हो गए। विद्यापति व्याकुल होकर गाने लगे उगना रे मोरा कतए गिला कतए गिला शिव की दाहुं भेला उगना रे। बहुत ही व्याकुल हो गए और भटक जंगल उनको ढूंढने के लिए। उनकी भक्ति भावना के वशीभूत होकर पाप उद्धारिणी गंगा स्वयं उनके अंत समय में उनके पास आ पहुंची। महान विद्वान डॉक्टर ग्रियर्सन जिनका पदावली के संकलन में योगदान था उनका कहना सत्य है। विद्यापति के गान के लिए जिसमें राधा और कृष्ण का उल्लेख है लोगों का प्रेम कभी कम नहीं होगा। धन्यवाद।